एवरीवन, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर 14th अप्रैल टॉप करंट अफेयर्स लास्ट 24 आवर्स के अपडेटेड करंट अफेयर्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। इफ यू आर विजिटिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट। एंड अगर आपको इसका पीडीएफ मटेरियल चाहिए, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन में आपके साथ इसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उस लिंक से इस वीडियो मटेरियल का पीडीएफ मटेरियल आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू विन ए गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018। तो ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, तो कौन यंगेस्ट इंडियन बने जिन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता? तो अनीश बनवाला नाम है इनका, ये ओनली 15 ईयर्स एज के। तो इससे पहले मनु बाकर ने जीता था, शूटिंग में ही जीता था इन्होंने, इनकी एज 16 ईयर्स थी। बट नाउ इन द हिस्ट्री ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 15 ईयर्स के जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इन्होंने फर्स्ट बने, ये इतनी कम उम्र में किसी ने गोल्ड मेडल जीता, तो जिनका नाम है अनीश बनवाला। तो सेकेंड क्वेश्चन इज, विच फिल्म वॉन द बेस्ट हिंदी लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी अवार्ड एट 65th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो जो बेस्ट हिंदी फिल्म कैटेगरी में अवार्ड दिया गया 65th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में, तो उस फिल्म का नाम है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन टॉप्ड फीफा रैंकिंग ऑफ अप्रैल 2018। अकॉर्डिंग टू फीफा रैंकिंग टॉप जो कंट्री बनी, तो जो नेशन बना उसका नाम है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन बॉक्सिंग विच इंडियन बॉक्सर क्लेम्ड इंडियाज फर्स्ट मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018। तो जो बॉक्सिंग कैटेगरी में जो फर्स्ट इंडियन जिन्होंने बॉक्सिंग लाइन में जो फर्स्ट मेडल जीता इंडिया के लिए, तो इनका नाम है नमन तनवार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ISRO सक्सेसफुली लॉन्च्ड ए नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1L इनटू द ऑर्बिट फ्रॉम विच लॉन्च व्हीकल। एक लॉन्च व्हीकल मतलब जहां से उसको किया जाता है लॉन्च, तो उस व्हीकल का नाम क्या है? उसका नाम है PSLV-C41। जो यहां से इसका लॉन्च किया गया वो किया गया सतीश धवन रिसर्च सेंटर से इसकी लॉन्चिंग हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, HRD मिनिस्टर कंस्टिट्यूटेड ए कम्युनिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ भूपेंद्र सिन्हा सुधासमा फॉर इलिमिनेटिंग फेयर ऑफ विच सब्जेक्ट। ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक कम्युनिटी बनाई, तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ भूपेंद्र सिन्हा सुधासमा फॉर एलिमिनेटिंग यू नो फेयर ऑफ मैथमेटिक्स। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है, इसके लिए बेसिकली सेमिनार्स वगैरह किए जाएंगे ताकि इस फेयर से ओवरकम किया जाए यूथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड ए न्यू रिहाइबिलेशन पॉलिसी फॉर स्लम डवेलर्स। स्लम डवेलर्स हो गए जो झोंपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए एक न्यू पॉलिसी बनाई गई जो ये हरियाणा गवर्नमेंट, तो उनके लिए रहने के लिए उनको इंतजाम किया जाएगा बाय गवर्नमेंट। तो जहां पे वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वहीं पे उनको वहां पे स्पेस दी जाएगी, तो उनको मूव करने की जरूरत नहीं है। एंड ये पॉलिसी जो भी स्टार्ट की ये की बाय हरियाणा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गवर्नमेंट हैज टारगेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 1 करोड़ हाउसेज अंडर PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बाय 31st मार्च ऑफ। मतलब एक गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया कि 1 करोड़ हाउसेज दिए बनाए जाएंगे फॉर पुअर पीपल, जिनके लिए रहने के लिए खुद का शेल्टर नहीं है। तो इनका टारगेट है 31st मार्च ऑफ 2019 तक, ये सारा इनका मिशन है कि 1 करोड़ हाउसेज बिल्ड किए जाएंगे फॉर द पुअर पीपल्स। नाइन्थ क्वेश्चन इज, 49th रेसिपियंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज। तो जो 49th रेसिपियंट बने जो बने वो हैं विनोद खन्ना, इससे पहले जो दिया गया था वो अनुष्का शर्मा को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री एंड्स रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो जो कंट्री बनी जिन्होंने रिजर्वेशन खत्म की इन गवर्नमेंट जॉब सेक्टर, तो वो कंट्री है बांग्लादेश। सो गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, होप्स आपको वीडियो अच्छा लगा। इफ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। And subscribe to my channel if you didn't subscribe yet. So see you in my next video. Thank you for watching this.